72 मंत्रियों के शपथ के बाद अब विभागों के बंटवारे पर नजर। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन को ध्यान में रखते हुए सबको मंत्रालय दिए जाएंगे। शपथ के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शाम 5 बजे पीएम आवास पर सभी मंत्री जुटेंगे। मोदी मंत्री परिषद में यूपी की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। पीएम मोदी समेत यूपी के 11 मंत्री शामिल। मोदी मंत्रिमंडल में एनसीपी को जगह नहीं दी गई है। प्रफुल्ल पटेल बोले, कैबिनेट मंत्री के अलावा कोई पद नहीं लेंगे। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पर न्योता मिला था। विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने रात्रि भोज की मेजबानी की है। विदेशी मेहमानों के साथ फोटोशूट भी हुआ है। ओडिशा में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया। सीएम का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने हालातों का जायजा लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की है। भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में सबसे छोटा स्कोर किया। डिफेंड 120 रन बनाकर भी मैच जीत लिया। भारत के लिए ऋषभ पंत ने खेली 42 रनों की पारी। कैप्टन रोहित शर्मा कोहली रन नहीं बना पाए। मॉनसून आने से पहले हुए बारिश ने मुंबई को जाम किया। कई इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई। छत्तीसगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज आंधी तूफान आए हैं। बिजली के पोल्स टूट गए। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। कोटा पटना के बाद दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी आज दिवंगत पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होगा। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए 3 दिन की पैरोल मिली है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मिस्ट्री रूम गेम जोन में लगी आग। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के बाड़मेर में 30 लाख से ज्यादा के मसाले सीज हुए। सप्लाई पर रोक रहेगी बरकरार। नामी कंपनीज पर कार्रवाई हुई। उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में राफ्टिंग के दौरान फंसे 9 लोगों को SDRF ने बचाया। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जलबोट की लापरवाही आई है सामने। जंगपुरा इलाके में पाइप फटने से कई लीटर पानी बर्बाद हुआ। छतरपुर में वाटर पार्क के अंदर 9 साल के बच्चे के डूबने के बाद उसे बंद करने का आदेश जारी किया गया। दूसरे वाटर पार्क्स को भी नोटिस दिया जाएगा। Zee News.